वेलकम बैक टू माय चैनल बारम साले व्लॉग्स। होप सो यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अब ठीक हूँ। और आपके साथ व्लॉग नहीं शेयर कर पा रही थी, कोई रूटीन शेयर नहीं हो रही थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, डिस्टर्बेंस थी और कुछ ट्रेजेडी भी हो गई थी। फर्दर व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करेंगे कि वो क्या हादसा हो गया था मेरी ज़िंदगी में जिसकी वजह से मैं आपके साथ व्लॉग शेयर नहीं कर पा रही थी। नौ अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के रेगुलर स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और आज का ही ये व्लॉग है। अब शाम हो रही जब मैं एडिट कर रही हूँ, मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और फाइव घर पे है और मैं उसको कंपनी दे रही हूँ। समझ नहीं आ रहा था, आपको भी पता है रोज़ समझ नहीं आती क्या बनाएं क्या खाएं, तो मैंने सोचा आज आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करते हैं। चले आए मेरे साथ किचन में, बनाना शुरू करते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ और मेरे पास कुछ बॉयल चने पड़े हुए थे, थोड़े से चने के। मैंने एक दिन पहले चने वाले चावल बनाए थे, वो लेफ़्ट ओवर था, तो मैंने सोचा इसको गर्म करके हम ये भी यूज़ कर लेंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लाहौरी चिकन चने। लाहौरी चिकन चने बनाने की एक सीक्रेट रेसिपी है, वो आपको मैं बताती हूँ। आपने चनों को बहुत ज़्यादा देर तक भिगो के रखना है और इतने अच्छे से बॉयल करना है कि दाना जो चने का है वो आसानी से मेल्ट हो जाए। और आपने कोशिश करनी है कि जो प्याज आपका भरी कटा हुआ होना चाहिए और आप प्याज को ब्लेंड करके भी ऑयल में अच्छे से फ्राई कर सकें ताकि प्याज के ज़रात मुंह में ना आए या नज़र ना आए। इसके साथ आपने एक टिप याद करनी है, हाफ चने बॉयल और एक आलू को अच्छे से बॉयल करके आपने इसको ब्लेंड कर लेना है और वो प्यूरी तैयार हो जाएगी। आपने इसको साइड पर रख देना है। अब मैं इसमें बड़ी इलायची जो गर्म मसाले में इस्तेमाल होती है, दालचीनी और एक से दो लौंगे शामिल करूंगी जो कि खुशबू के लिए और जायके के लिए। आपने याद रखना है कि अगर आप लाहौरी चिकन चने बनाने जा रहे हैं आपने इसमें हल्दी और सुरख मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। हल्दी कुछ लोग इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन इसमें सुरख मिर्च इस्तेमाल नहीं होती। और आपने इसमें नमक यूज़ करना है, अगर आप येलो कलर पसंद करते हैं देन तो आप यूज़ करें। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी चने खाना चाह रहे हैं तो आप इसमें क्रीमी टेक्सचर लाना चाहते हैं तो आप इसमें क्रीम ऐड करें, ज़रूर ऐड करें क्रीम, खोया ऐड करें, देसी घी ऐड करें, आपके चने हैवी बनेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन चने तो मैंने इसमें यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी, नमक, ऑयल और साथ मैंने टमाटर नहीं ऐड किया, मैंने इसमें थोड़ा सा योगर्ट ऐड किया। दही को अच्छे से फेंट के मैंने इसमें मिक्स किया है और आप देख सकते हैं चने के साथ जो मैंने आलू को अच्छे से मैश करके इसमें ऐड किया है तो कितनी प्यारी थिकनेस आ गई है। यही इसकी सीक्रेट रेसिपी है, यही इसके खुफिया तरीका है चने बनाने का। और बाद में आप जितना चाहें आप इसमें गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर, हरी मिर्चें काट के ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में आप जितना चाहें आप इसमें देसी घी ऐड करें या फिर आप जो आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च होती है घी में अच्छे से वो फ्राई करके उसके ऊपर डाल दें। अगर आप सूखी पसंद करते हैं तो इस तरह से आपकी ये शक्ल तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स आजकल के महंगाई के दौर में अगर मैं आपको एक अच्छा मशवरा दूं तो बेहतर है आप घर में चीज़ बना लिया करें, क्योंकि मैंने देखा है कि लास्ट संडे हमारे घर में हमेशा या निहारी या फिर चने का नाश्ता, चने बाज़ार से आते हैं तो 300 के तो हमारे चने ही आ जाते हैं और यकीन करें ज़रा से बड़ी मुश्किल से ही पूरे होते हैं और नान अलहदा। और इस तरह से जब मैंने लास्ट में निहारी की रेसिपी शेयर की थी तो आपने अब ज़रूर मेरे तरीके से निहारी की रेसिपी को फॉलो करना है। और अब चिकन चने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनेंगे। और आपने कमेंट में ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग और रेसिपी कैसी अच्छी लगी। दोपहर का टाइम है, ग्रोसरी भी आ गई थी, आज मैं ग्रोसरी खुद करने गई थी और सोचा कि चलो बच्चों के स्कूल से आने का टाइम है तो उनके लिए मैं शेक बना लूँ, लेकिन दूध बहुत ज़्यादा कम था तो चले मैं अब दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पे धनिया, फूल बंद गोभी ली है, फूल गोभी ली है, खीरे, टमाटर, हरी मिर्च मेरे पास थोड़ी सी थी लेकिन सब्ज़ी के साथ भी अंकल ने दे दी थी और मैं रेट सुन के इतनी हैरान हो गई थी। तोरियां मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे चिकन के साथ या मीट के साथ बना दूँ, आपको पता है इसमें आयरन होता है, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। शिमला मिर्च हर चाइनीज़ में यूज़ होती है और गोभी भी मैं सोच रही थी, समझ नहीं आती बच्चे चूसी हैं फिर उस तरह से उन्हें खाने में भी तंग करते हैं। स्कंजवी का मौसम है और लीमू के बगैर गुजारा नहीं, दूध कम था तो मैंने सोचा चलो दो डब्बे दूध के भी पकड़ लेते हैं, बच्चों को शेक बना देंगे। और क्रीम की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, बच्चों को चीज़ी पास्ता बना के देना है तो आपके साथ सोचा क्रीम का पैकेट लेते जाऊँ क्योंकि रेसिपी शेयर करनी है। वेल यहाँ पर ज़रा मेरा ये ब्लेंडर कुछ पुराने दौर का है, पुराने दौर का तो नहीं है कि मेरी मम्मा का है और मुझे बहुत पसंद है, मैं ले आई थी, मेरे पास न्यू ब्लेंडर नहीं है तो। और चने हमारे रेडी हैं, बच्चे स्कूल से आ गए हैं तो मैंने सोचा जल्दी से पराठे बना लेते हैं
और गैस बहुत ही ज़्यादा कम थी। और मेरे पराठों पे ना जाइएगा और इस व्लॉग एंजॉय कीजिएगा। अब जल्दी से बर्तन धोने, चीज़ें सारी समेटनी हैं और भी बहुत से काम है। नेक्स्ट व्लॉग में फिर आपके साथ मज़ीद रूटीन शेयर करेंगे। आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। बहुत दिनों के बाद एंट्री हुई है, आपने लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है और मुझे ज़रूर बताना है आपको यह व्लॉग और ये रेसिपी कैसी लगी, और चने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलेंगे फिर न्यू व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।